हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द टैग टेक ऑटो ज्ञान में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले गुरुपुरब की मेरे फ्रेंड्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का हमारा टॉपिक है मारुति की जो न्यू जनरेशन अर्टिगा है, उसको आज मैं कंपेयर करने वाला हूं महिंद्रा की न्यूली लॉन्च्ड मराज़ो के साथ। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वीडियो टिल द एंड। अर्टिगा जो है वो लॉन्च हो रही है 7,44,000 से शुरू हो रही है, मतलब 7,44,000 से शुरू होकर 10,90,000 तक ये जा रही है, ठीक है जी। और इसके अलावा जो मराज़ो है उसका जो प्राइस है वो इससे थोड़ा ज्यादा है, वो 9.99 लाख से शुरू होके 13.9 लाख तक इसका टॉप एंड वेरिएंट जो है वो जा रहा है। बेसिकली अगर हम बात करें दोनों ही गाड़ियों की, तो अर्टिगा एक पुराना नाम, पुरानी गाड़ी, लेकिन अभी नए फीचर्स के साथ, ऑलमोस्ट सारी की सारी नई शेप के साथ ये लॉन्च हो रही है। अर्टिगा ने अपनी पुरानी जो डिब्बा टाइप शेप थी उससे थोड़ी निजात पाई है, उससे छुटकारा पाया है और एक न्यू जनरेशन शेप लेके मारुति सामने आई है। मराज़ो का तो आपको पता ही है, जो एडवर्टाइजमेंट जो टीवी में ऑलरेडी जगह जगह पे चल रही थी कि ये एक शार्क इंस्पायर्ड डिजाइन से बनी हुई है, तो वो काफी हद तक ठीक भी है। लेकिन अब हम बात करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे अर्टिगा के डिजाइन के साथ, तो हमें क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम, जो बेसिकली मैं बात करूंगा, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों के प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो मैं बात करूंगा अर्टिगा के टॉप एंड वेरिएंट यानी कि ZDI प्लस को मैं कंपेयर करूंगा मराज़ो के M4 वेरिएंट के साथ, जो कि बेस वेरिएंट से एक अपर वेरिएंट तक, मतलब सेकंड जो हमारा वेरिएंट है मराज़ो का, उसके साथ मैं कंपेयर करूंगा। तो दोनों के प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज में आते हैं, तो मैं इस वजह से इन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात, इन दोनों के प्राइजेस क्या हैं। जो हमारे पास अर्टिगा है उसका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इसका प्राइस 10,90,000 ZDI प्लस टॉप एंड वेरिएंट, और जो M4 मराज़ो का जो हमारे पास प्राइस है वो भी इससे बिल्कुल आसपास ही है, 2,000-5,000 का फर्क होगा, बाकी प्राइस दोनों के सेम है, ठीक है। यहां पे फीचर्स में डिफरेंस आ जाएगा, यहां पे इंजन में डिफरेंस आ जाएगा, वो हम बात करेंगे वो कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा अर्टिगा के बारे में। अर्टिगा के जो हमारे वेरिएंट्स हैं उनमें सबसे पहले दो ऑप्शंस हैं हमारे पास इंजन ऑप्शंस में। ये हमें अर्टिगा डीजल में भी अवेलेबल है और पेट्रोल में भी अवेलेबल है, लेकिन ये ड्रॉबैक हमें रहेगा यहां मराज़ो में, मराज़ो इज ओनली अवेलेबल इन डीजल वेरियंट्स, ठीक है, ये मैं साफ साफ क्लियर करना चाहता हूं। अर्टिगा जो पेट्रोल वर्जन है उसमें नया इंजन यूज किया गया है, जो रिसेंटली उन्होंने सियाज में भी यूज किया गया था, जो कि 1.5 लीटर का इंजन है, 1500 सीसी का इंजन है, बहुत ही अच्छा इंजन है, ऑलरेडी सियाज में चल रहा है, जिसकी माइलेज भी काफी अच्छी है। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो पेट्रोल को कंपेयर करना नहीं है, क्योंकि मराज़ो में पेट्रोल अवेलेबल नहीं है ऑप्शन। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर पेट्रोल वर्जन के लिए जाना चाहते हैं तो सीधा ही ऑप्शन है, यहां पे कोई कंपैरिजन रहता ही नहीं है, आप डायरेक्टली अर्टिगा परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर डीजल वर्जन में जाना चाहते हैं तो यहां पे वही सेम पुराना इंजन आपको 1.3 लीटर टर्बोचार्ज, जो कि फीएट सोर्स्ड इंजन है, वही पुराना इंजन लेकिन बेहतर ट्यूनिंग के साथ आपको यहां पे ये इंजन मिल जाएगा। लेकिन मराज़ो के केस में आपको थोड़ा बड़ा इंजन मिलेगा, 1.5 लीटर्स का, यहाँ पे 1500 सीसी का इंजन मिलेगा, जो कि आपको काफी बेहतर पावर प्रोवाइड करता है, 121 या 122 bhp की पावर ये जनरेट करके देता है। अर्टिगा के केस में ये आपको 89, जिसको हम 90 bhp इंजन भी बोल देते हैं, काफी ज्यादा पावर में वेरिएशन है, काफी डिफरेंस है दोनों की पावर में, बहुत बड़ा अंतर है। और जो डिस्प्लेसमेंट है इंजन की वो भी 1250 cc है, उधर 1500 cc है, 250 cc का, वहां पे भी डिफरेंस आपको मिल जाएगा।
लेकिन 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 यहां पे प्राइस का बहुत ज्यादा डिफरेंस है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं बात करूं अर्टिगा के डिजाइन से, डिजाइन काफी बेहतर लाजवाब, पहले से बहुत ही अच्छा और बेहतर डिजाइन बनाया है। जो फ्रंट लुक्स हैं इस गाड़ी के, काफी सारे फ्रेंड्स का कहना है कि ये थोड़ी थोड़ी हमें इनोवा क्रिस्टा की झलक देती है। हाँ, क्योंकि जो इसके फ्रंट लाइट्स हैं जो कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं वो कुछ कुछ लुक देते हैं इनोवा क्रिस्टा की तरह, लेकिन मैं इसके बारे में पर्सनली बात करूंगा, जैसे मैं इसके क्वार्टर पैनल पे जाता हूं, जो लास्ट वाला ग्लास होता है क्वार्टर पैनल, वहां जब मैं पहुंचता हूं तो ये मुझे एक होंडा की पुरानी गाड़ी मोबिलो की थोड़ी सी याद दिलाती है। अगर मैं इसके रियर एंड को भी देखूं, आप ध्यान से देखो तो इसकी लाइटिंग और इसका जो रियर एंड है उसको देख के भी थोड़ी थोड़ी ये मोबिलो की याद दिलाती है। थोड़ा सा मिक्सचर सा ये एक डिजाइन है जो कि अर्टिगा में आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट से इनोवा क्रिस्टा की आपको लुक दे सकती है, जिन फ्रेंड्स को लगती है तो थोड़ी बहुत लगती है ये, पीछे से आपको मोबिलो का काफी ज्यादा रिजेम्बलेंस देगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम शुरू करेंगे इनके फीचर्स से। तो फीचर्स में आपको टॉप एंड वेरिएंट है तो सीधी बात है कि इसमें सब कुछ मिलेगा। टॉप एंड वेरिएंट ZDI में आपको काफी सारे फीचर्स मिलेंगे जो कि आपको मरेजो में नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको सेम प्राइस रेंज में ही रहना पड़ेगा। वहां पे आपके पास कुछ बेनिफिट्स अर्टिगा में मिलेंगे, लेकिन कुछ बेनिफिट्स आपको मरेजो में भी मिलेंगे जो कि अर्टिगा से कुछ अलग होंगे। तो हम बात करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, हमें अर्टिगा में ZDI प्लस में कौन कौन से फीचर्स और मरेजो में कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे, जो कि सिमिलर फीचर्स हैं उन पे जरा नजर डालते हैं। अर्टिगा ZDI प्लस और मरेजो M4 में वो सिमिलर फीचर्स हैं हमारे पास। सबसे पहली बात, ये ऑडियो सिस्टम आपको विद ब्लूटूथ मिलेगा, 4 स्पीकर्स का सेटअप मिलेगा, हालांकि अर्टिगा में 6 स्पीकर्स का मिल सकता है क्योंकि इसके साथ 2 ट्वीटर भी आ जाते हैं। ठीक है जी, स्पीकर्स सेम आपको मिलेंगे, मतलब ऑडियो सिस्टम आपको ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या रह जाएगा कि अर्टिगा में आपको टच स्क्रीन 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, ये डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा। तो दूसरे सिमिलर ऑप्शंस में जो फीचर्स हैं उनमें क्या है, आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आउटसाइड जो रियर व्यू मिरर्स हैं वो, जिसको हम शॉर्ट में ORVM भी कह देते हैं, आपको मिल जाएंगे। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाएगी, फ्रंट USB चार्जर मिल जाएगा आपको, रियर वॉशर्स, वाइपर्स एंड रियर डीफोगर भी दोनों ही गाड़ियों के दोनों ही वेरिएंट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, और इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपको अर्टिगा में मरेजो के कंपैरिजन में क्या क्या मिलेगा ZDI प्लस ऑप्शन में उतने ही पैसे खर्च करने के बाद, तो माई डियर फ्रेंड्स आपको बहुत सारे नए फीचर्स मिलने वाले हैं ZDI प्लस में। सबसे पहले इसका स्टेयरिंग व्हील, जो कि मेन डिफरेंसेस में आ जाएगा। स्टेयरिंग व्हील जो कि फ्लैट बॉटम आपको मिल जाएगा, काफी बेहतर लगता है इसका। आप डैशबोर्ड का डिजाइन देखें तो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा बना दिया गया है, कुछ कुछ इनोवा क्रिस्टा की अंदर डैशबोर्ड से भी ये याद दिलाता है। सबसे मेन बात, जो आपको इसमें जो AC मिलेगा वो मैनुअल नहीं है, टॉप एंड वेरिएंट्स में आपको ऑटोमेटिक AC का ऑप्शन दे दिया गया है, बहुत ही बढ़िया है ये। उसके अलावा आपको जो कप होल्डर्स होते हैं, जो ड्राइवर के पास गियर नॉब के पास जो बेसिकली हमारे पास कप होल्डर्स होते हैं, आपको ये तो कप होल्डर मिलेंगे, लेकिन ये विद AC वेंट के साथ मिलेंगे, ताकि आपके ड्राइविंग के वक्त जो आप अपने ड्रिंक्स ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो, तो वो ज्यादा गर्म ना हो, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन, बहुत बढ़िया ऑप्शन। ये तो फीचर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके अलावा जो आपको फीचर्स मिलेंगे जो आपको मरेजो में नहीं मिलेंगे, जो अर्टिगा में मिल रहे हैं, वो कौन कौन से फीचर है उनके बारे में नजर डालते हैं। सबसे पहले 7 इंच टच स्क्रीन सिस्टम आपको मिल जाएगा, जो कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, मिरर लिंक, ये तीनों चीजों को ये सपोर्ट करता है। हालांकि तीनों चीजों की यहां पे जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी ये एक फीचर है जो कि तीनों को सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा आपको रियर व्यू कैमरा मिल जाएगा, बिल्ट इन नेविगेशन बिल्ट इन मिल जाएगा आपको, 2 एडिशनल ट्वीटर्स जो कि पहले ही मैं जिक्र कर चुका हूं, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, फ्रंट एयर कूल्ड कप होल्डर्स वो भी मैं बात कर चुका हूं,
कीलेस एंट्री आपको सबसे मेन और बड़ा काफी आजकल का जो मेन फीचर माना जाता है वो कीलेस एंट्री और पुश बटन स्टार्ट, ये दोनों फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे जो कि M4 में आपको नहीं मिलेंगे। तो ये बड़ा बेसिक सा फीचर आज की डेट में हो जाता है, तो ये फीचर आपको मरेजो में नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा जो और ऑप्शंस आपको मरेजो में नहीं मिलेंगे वो क्या है, वो है फ्रंट एयर कूल्ड कप होल्डर्स, वो पहले ही बात कर चुके हैं उसके बारे में, और को पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर, ये भी आपको अर्टिगा में मिलेगा लेकिन मरेजो में ये नहीं मिलेगा। हाइट एडजस्टमेंट आपको फ्रंट जो सीट बेल्ट्स हैं हाइट एडजस्टमेंट के साथ आपको मरेजो में नहीं मिलेंगी। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ये भी नहीं मिलेंगी। टेल लाइट जो एलईडी हैं वो भी आपको मरेजो में नहीं मिलेंगी इस एम फोर वेरियंट में। इसके अलावा फ्रंट फोग लैम्प्स आपको मिल रही हैं, अलॉय व्हील्स एंड रियर पार्किंग सेंसर, ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो कि अर्टिगा में आपको मिल रही है लेकिन मरेजो M4 में आपको नहीं मिलेगी। विद अ प्राइस सेम प्राइस टैग, आपको सेम प्राइस खर्च करने के बाद भी ये फीचर्स नहीं मिल रहे। सिर्फ डिफरेंस क्या रह जाता है यहाँ पे ये प्राइस डिफरेंस रह जाता है कुछ चीजों की वजह से। सबसे पहली वो कंपोनेंट है इंजन, आपको यहाँ पे महिंद्रा 1.5 लीटर एक पावरफुल इंजन प्रोवाइड कर रहा है जो कि काफी ज्यादा पावर क्रिएट कर रहा है, 122 bhp के आसपास पावर जनरेट कर रहा है और 300 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको प्रोवाइड करता है। अर्टिगा की बात करें तो इसका टॉर्क सिर्फ रह जाता है 200, यहाँ पे 100 का डिफरेंस है, 100 न्यूटन मीटर उसका डिफरेंस यहाँ पे निकल जाएगा। उसके अलावा मैं लास्ट पे कंक्लूजन पे आना चाहूंगा कि आपको कौन सी गाड़ी यहाँ पे प्रेफर करनी चाहिए, कौन लोग हैं जो अर्टिगा जिनको पसंद आएगी और वो कौन है जिनको मरेजो पसंद आएगी। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम वेरिएंट्स की बात करें तो मरेजो में हमारे पास 7 वेरिएंट्स हैं और अगर हम अर्टिगा की बात करें तो अर्टिगा में टोटल 8 वेरिएंट्स हैं, अगर ऑटोमेटिक भी उसमें ऐड कर दें तो 10 वेरिएंट हो जाते हैं। सारे के सारे वेरिएंट्स दैट इज इम्पॉसिबल टू डिस्कस इन ए सिंगल वीडियो, तो मैं आज सिर्फ यही एक ZDI प्लस अर्टिगा और मरेजो M4 को कंपेयर करना चाहता हूं। और बाकी के वेरिएंट्स अगर मेरे किसी फ्रेंड को कोई किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, किसी भी वेरिएंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए या उसमें अलग से कोई वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगा। ये वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है तो मैं नहीं चाहता हूं कि ज्यादा लंबा हो जाए, तो लास्ट पे मैं कंक्लूजन पे आता हूं कि आपको कौन सी गाड़ी बेटर रहेगी। तो सबसे पहली बात, अर्टिगा आपको अगर पेट्रोल ऑप्शन में जाना है तो बेझिझक अर्टिगा ले लीजिए, अगर आपको ज्यादा माइलेज चाहिए तो बेशक अर्टिगा लीजिए क्योंकि ये आपको नियर अबाउट 24 की माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली ये 20 की माइलेज बड़े आराम से आपको देगी। उसके ओपोजिट अगर देखें मरेजो, तो मरेजो आपको 17.4 की किलोमीटर की आपको माइलेज प्रोवाइड करती है लेकिन मेरे ख्याल से ये 15-16 के आसपास ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं होने वाली। और अगर इसके अलावा आपका बजट है कम तो अर्टिगा आपके लिए काफी बेटर ऑप्शन है। तो अर्टिगा में एक आपको माइनस पॉइंट हो जाएगा कि आपको 7 सीटर का ऑप्शन मिल रहा है, मरेजो में आपको दोनों के ऑप्शंस मिल रहे हैं, 7 सीटर भी है और 8 सीटर का भी ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप भरपूर फीचर्स चाहते हो एक कम प्राइस टैग में, एक अच्छी गाड़ी भी चाहते हो एक कम प्राइस टैग में, तो अर्टिगा आपके लिए बेशक एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन 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 यहाँ पे मरेजो किन लोगों के लिए होगी, मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे व्यूवर्स भी होंगे जो मरेजो महिंद्रा मरेजो से भी इंस्पायर्ड हुए होंगे और सोच रहे होंगे कि शायद मरेजो भी खरीद ली जाए। तो मरेजो किन फ्रेंड्स के लिए बनी हुई है तो वो हम बात करेंगे कि क्या फीचर्स हैं, क्या वो बातें हैं जिनको ध्यान में रख के वो मरेजो की तरफ भी डाइवर्ट हो सकते हैं। हाँ, सबसे पहला ऑप्शन जो फीचर है, फीचर तो नहीं है ये, बेसिकली ये यूटिलिटी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले कि अगर आपको एक स्पेशियस कैबिन चाहिए तो मरेजो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। इसमें फायदा ये है, पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि 7 सीटर के साथ साथ एक प्लस
8 सीटर का ऑप्शन भी है। यहाँ पे सीट्स आपको बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल मिलने वाली हैं। यहाँ पे कैप्टन सीट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो ये कैप्टन सीट क्या है, ये एक नई टर्म डाल दी है गाड़ियों में। तो बेसिकली कैप्टन सीट होती है ये बेसिकली मराजो के जो बैक सीट, जो रियर सीट है, जो मिडल वाली लेन है, उस पर ये दो कैप्टन सीट्स दी होती हैं। तो बेसिकली ये है ऐसे कि आपकी जो सीट्स हैं उसमें होता क्या है कि डोर वाली साइड पे आपके लिए एक आर्मरेस्ट और बाय डिफॉल्ट बना रहता है, जो कि विंडो के ऊपर आप अपनी आर्म रखते हो। लेकिन यहां पे क्या है कि आपको राइट साइड पे भी एक आर्मरेस्ट मिलेगा और दूसरी सीट जो है वहां पे भी एक आर्मरेस्ट मिलेगा, जिससे आपको थोड़ी कैप्टन की तरह फीलिंग आएगी। तो बेसिकली ये कैप्टन सीट का कॉन्सेप्ट वहां से है। कैप्टन सीट मतलब आप बड़े आराम से और ठाट से बैठे हुए हो, तो ये कैप्टन सीट का कॉन्सेप्ट है, जो कि काफी अच्छा भी है, अच्छा आपको बैठने में अच्छा फील करवाता है, काफी कंफर्टेबल सीट्स होती हैं इसकी। तो बेसिकली अगर आप कंफर्ट वाइज जाना चाहते हो, आप ज्यादा स्पेशियस गाड़ी चाहते हो, तो मराजो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरी बात, अगर आप एक दमदार गाड़ी चाहते हो, अगर आप सॉलिड बिल्ड वाली गाड़ी चाहते हो, सबसे मेन बात यहाँ पे मराजो के साथ ये है कि इसकी जो बॉडी बिल्ड, जो इसका बॉडी शेल है वो काफी ज्यादा, जो इसका बॉडी फ्रेम, जो इसके चेसिस है वो काफी ज्यादा सॉलिड बनाई हुई है। जो इसकी बॉडी है वो चेसिस के साथ बिल्कुल एकदम अटैच्ड, पूरी बॉडी चेसिस के ऊपर ही बनी हुई है। तो ये काफी ज्यादा बेटर ड्राइवेबिलिटी, बेटर ड्राइव और कंट्रोल, और सबसे ज्यादा ड्यूरेबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है इस तरह की बॉडी बिल्ड। तो ये दो ऑप्शंस हैं जिनकी वजह से आप मराजो खरीद सकते हो, इसकी तरफ डाइवर्ट हो सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से ये एक मैंने तो बहुत ज्यादा कंसाइज करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वीडियो लंबा होता चला गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर सब्सक्राइब कर रहे हो लेकिन कोई जल्दी नहीं है, कर लेना बड़े आराम से बाद में। अगर करते हो तो नीचे आप बेल बटन जरूर दबा देना, ताकि आपको इन फ्यूचर जो मेरी नेक्स्ट वीडियोज हैं वो उनके मैसेजेस, उनके अलर्ट्स आपको इंस्टेंटली मिल सकें और आप उनको जल्दी से जल्दी देख सको। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स।